हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिलेनियल्स किचन। ये इस सीरीज़ का मेरा दूसरा वीडियो है और आज जो हम डिश प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी फेमस एंड लाइक बाय आई थिंक एवरीवन इन इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड गार्लिक हाका नूडल्स। बट इस डिश को हम प्रिपेयर करेंगे एक ट्विस्ट के साथ, लाइक वी डिड इन द अर्लियर वीडियो, जो हमने चिकन की जगह वी यूज चिली सीख टू प्रिपेयर चिली सीख कबाब। उसी तरह आज हम नूडल्स तो हम यूज करेंगे, बट विल बी मेकिंग इट इन द स्टाइल ऑफ वन ऑफ द वेरी फेमस इटालियन कुजीन। इट्स कॉल्ड स्पेगेटी एग्लियो ओलियो। सो ये एक इटालियन कुजीन है, काफ़ी ट्रेडिशनल कुजीन है इटली की। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स के होते हैं इज आर गार्लिक, स्पेगेटी पास्ता एंड ऑलिव ऑयल एंड सम हर्ब्स एंड पार्सले, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज एडेड इन टू इट। बट हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। एंड सी राइट नाउ आई एम कटिंग द गार्लिक, सो सिमिलरली विल बी हैविंग सम अदर वेजिटेबल्स एज वेल, जो हम अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। नाउ जो मोटिव मेरा यहाँ पर है इन वीडियोज़ को बनाने में, इज फॉर द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड होम इन पीजीज और रेंटेड हाउसेज, जो कि ताकि वो लोग क्विकली, जिनके पास टाइम नहीं होता, एंड क्विकली दे कैन प्रिपेयर दिस दीज डिशेज। चलिए क्या क्या वेजिटेबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग ग्रीन पीस, सो ग्रीन पीस को हमने पील कर लिया है। वी आर यूजिंग गार्लिक, जिसको मैंने स्लाइस्ड कर लिया है, वन फुल गार्लिक है ये। वी आर ऑल्सो यूजिंग जुकनी, जिसको मैंने डाइस शेप में कट कर लिया है। यू कैन यूज बीज इंस्टेड ऑनियंस, ऑनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ऑनियन मैंने यूज़ किया, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। आई एम यूजिंग 4 to 5 बटन मशरूम्स, उसको भी हमने स्लाइस कर लिया है। एंड दीज आर ग्रीन लीव्स कॉल्ड राई, इंडिया में इसको राई बोलते हैं, इट्स सिमिलर टू पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स। ऑरिगेनो हमने यूज़ किया है यहाँ पर, विल बी यूजिंग ऑरिगेनो एज वेल, ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगा। वी आर ऑल्सो यूजिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सो आप नॉर्मल रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमको थोड़ा सा इसको स्पेगेटी वगैरह ओलियो की तरह प्रिपेयर करना है, सो वी नीड टू यूज सम ऑफ इट्स इन्ग्रीडियंट्स। लास्ट थिंग इज नूडल्स, हाका नूडल्स बनाने के लिए हमने चिंग चाइनीज का नूडल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, विच कैन बी ईजिली परचेज ऑन द मार्केट। सो जो की इन्ग्रीडियंट स्पेगेटी एग्लियो ओलियो के हैं, वी आर यूजिंग हियर आर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड गार्लिक। चलिए लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिश। मैंने यहाँ पर 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड किया है। एंड एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, एंड आई एडेड गार्लिक इन टू इट। सो आपको भी यही करना है, आपको ऑयल को हीट नहीं करना है। एज सून एज यू ऐड ऑयल, यू शुड ऐड गार्लिक एज वेल। सो उससे होगा क्या, गार्लिक हमारा ऑलिव ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ऑल्सो वी डोंट नीड बर्न गार्लिक, सो तो स्पेगेटी एग्लियो ओलियो है उसमें जो गार्लिक है, वी यूज वाइट, वी डोंट बर्न गार्लिक इन दैट डिश। सो यहाँ पर भी हम गार्लिक को बर्न नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन ब्राउन हम उसको करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन ऐड अदर वेजिटेबल्स एज वेल। सो ऑनियन मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, एक फुल ऑनियन मैंने यूज़ किया है। आई हैव एडेड मशरूम्स, पीस, एंड आई एम ऑल्सो एडिंग जुकनी। सो एक साथ आप सभी वेजिटेबल्स को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक चीज़ आपने देखी होगी, यू माइट हैव नोटेड वन थिंग, कि मैंने वेजिटेबल्स को बहुत थिन स्लाइस किया है या बहुत बारीक बारीक मैंने उनको काटा है। जुकनी को भी आई हैव डाइस देम, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है मैंने उनको, बिकॉज जितना आप उसको मोटा कट करेंगे उतना ही उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कुक करने में, और हम इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट्स अ डिश विच कैन बी प्रिपेयर इन 10 to 15 मिनट्स। नाउ जब वेजिटेबल्स हमें ऐड कर ली हैं, वी हैव सॉटेड देम वेल, अब इसमें मैं एक और इन्ग्रीडियंट ऐड करूँगा, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट का मेन रीज़न है ऐड करने का, कि जो डिश है, इफ़ इट्स टेकिंग 10 मिनट्स टू कुक, इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स टू कुक, तो सॉल्ट उसको थोड़ा जल्दी कुक करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट भी मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पर, उसको अच्छे से टॉस करेंगे। चलिए जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं। वेजिटेबल्स को आपको जो है मीडियम फ्लेम पे आपको कुक करना है, बट जब आप नूडल्स इसमें ऐड करेंगे सो आप उस फ्लेम को लो कर दीजिए, तेज़ फ्लेम पे हम उसको कुक नहीं करेंगे।
नूडल्स मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप नूडल्स को बॉईल करेंगे सो आप 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल पानी में डाल दीजिए बिफोर एडिंग नूडल्स इनटू इट। उससे जो नूडल्स हैं वो हमारे स्टिक नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। ऑल्सो जब आप उसको बॉईल हो जाएंगे एंड यू हैव ड्रेन द वाटर, पानी जब आप निकाल लेंगे गर्म उसमें से, तो उसको थोड़ा ठंडा पानी आप उसमें ऐड कीजिए। अगेन इट विल हेल्प द नूडल्स टू बी यू नो विल नॉट स्टिक टुगेदर। नेक्स्ट आइटम मैं जो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर इज ऑरिगेनो। 1 टेबल स्पून ऑफ ऑरिगेनो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फॉर 2 to 3 मिनट्स आप इसको कुक होने दीजिए एट इन लो फ्लेम्स। आपको फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, शुड बी लो। आप मीन टाइम ये हमारी जो नूडल्स है वो मिक्स हो रही हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। ट्राई टू मेक दिस डिश एट होम। अगर आपको कुछ सजेशंस हैं प्लीज़ ऐड देम इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कोई नई डिश हमें यहाँ पे बनानी चाहिए सो प्लीज़ ऐड अ कमेंट। आई विल ट्राई टू यू नो मेक द डिश फॉर द नेक्स्ट टाइम। ऑल्सो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नूडल्स को आपको ओके सो नूडल्स को आपको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, स्टिर इट स्लोली सो दैट वो ब्रेक ना हो। ओके अब जो हमारा नूडल्स है वो प्रिपेयर हो चुका है, इट्स कुक्ड। मैंने जो गैस है उसको मैंने ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है गैस को। एंड नाउ आई एम एडिंग 2 टेबल स्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इनटू इट। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बट इफ़ यू आर यूजिंग रिफाइंड ऑयल प्लीज़ डू नॉट ऐड रिफाइंड ऑयल इनटू द डिश। चलिए डिश हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी है। इसको अब हम थोड़ा सर्व थोड़ा गार्निश करेंगे, थोड़ा प्लेट में अच्छे से इसको हम सर्व कर लेते हैं। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो डिश है एज आई टोल्ड यू इसको हमें मैक्सिमम 15 मिनट्स चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, नॉट मोर देन दैट। सो लगभग 15 मिनट में हमारी ये डिश बन के तैयार हो गई है। तो नूडल्स आप देखिए, नूडल्स जो है ये मैंने इसको ब्रेक नहीं किया है क्योंकि जो स्पैगेटी पास्ता होता है, जो पास्ता है उसमें यूज़ करते हैं हम, वो कंप्लीट पास्ता यूज़ होता है, दे नेवर ब्रेक इट। सो मैंने भी कोशिश करी है कि मैं नूडल्स कहाँ पे ब्रेक ना करूँ। थोड़ा सा उसको गार्निश कर लेते हैं। जो ग्रीन लीव्स मैंने यूज़ करी थी आर कुक्ड, उसको भी मैं इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यस इट्स ऑलमोस्ट डन। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए मील को। बिलीव मी इट विल टेस्ट इट टेस्ट ग्रेट। बहुत लवली टेस्ट है इसका। थोड़ा पास से भी मैं दिखा लेता हूँ। मुँह में बहुत पानी आ रहा है आई नो, बट डू ट्राई इट एट होम एंड लीव द कॉमेंट्स अगर आपको पसंद आई है डिश।